हेलो फिश फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इसी नेक्स्ट क्लास पिछली यस्टरडे क्लास में स्टडी किया था कंपनी स्टाइल, कंपनी स्टाइल के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंपनी यहाँ भारत में कम स्थापित थी और वो ट्रेन दिए ट्रेन की व्यवस्था की गई थी, जब पता था। और यहाँ की जो लचीलापन देखा, लचीला पब्लिक को देखा और उन्होंने अपनी शिक्षा पत्र अपने रूम लगाना शुरू कर दिए और इस सीट का राठ में कर लिया। 1834 में यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, उससे पहले हमारे हिंदुस्तान में 1834 से पहले कोई अंग्रेजी शिक्षा नहीं हुई थी। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति सभ्यता संस्कृति उन्होंने बाहर किया था और इस प्रकार ये किया। हमने ये और इसके हमने सब्जेक्ट पढ़े थे, कस्टम, ज्वेलरीज, हिस्टोरिकल प्लेस और फोक आर्ट, फोक लाइफ और हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल और ट्रीज है, फ्लावर्स, इनके जो सब्जेक्ट थे हमने कंपनी शैली के सब्जेक्ट पढ़े थे, स्टडी किए थे भी हमने। इसके बाद हमारे स्टडी करने के बाद हम आएंगे नेक्स्ट आएंगे हम राजा रवि वर्मा की बायोग्राफी, हम राजा रवि वर्मा की बायोग्राफी पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा का बायोग्राफी हम किसी की पढ़ते हैं तो उससे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, उसका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, प्लेस देखते हैं कि किस स्थान पर हुआ था और हम देखते हैं कि उसको कैसे किससे शिक्षा प्राप्त की थी, इस तरह से हम वो सब चीज़ें देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा का ये जो बर्थ है वो 1848 ईस्वी में हुआ था। इनकी डेट तो कहीं से मतलब अच्छी बुक में हमारे थी नहीं है, हमारे सिर्फ सन दिया हुआ है। तो हमारे जो क्वेश्चन, हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक बात और पता हो इंग्लिश में बच्चों के आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं और हिंदी और इंग्लिश में अपने बोर्ड के एग्जाम दोनों ही में आते हैं, लेकिन हमारे जब हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे हिंदी का क्वेश्चन भी ही मान्य होता है। इंग्लिश में अगर कोई मिस्टेक होती है या हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन की डिफरेंट अगर मिसमैच होता है तो हमारा हिंदी का क्वेश्चन ही मान्य होता है, इंग्लिश का क्वेश्चन मान्य होता। इससे प्लीज आप लोगों को हिंदी के भी अच्छी तरह से अच्छी स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारे जो नेम है इंग्लिश के या बायोग्राफी जो होती है वो तो हमारी चाहे हिंदी हो या इंग्लिश एक सेम ही होती है तो हमको, और इसलिए मिसमैच जब भी होता है बोर्ड के एग्जाम में तो हिंदी के जो क्वेश्चन होता है वो ही मान्य होता है, इंग्लिश के क्वेश्चन मान्य नहीं होता। इसलिए हमारे डेट ऑफ बर्थ पढ़ेंगे, 1848 प्लेस पढ़ेंगे इसका, केरल के जो केरल है हमारे प्रदेश उसका छोटा सा गांव किल्लीमनूर में इनका जन्म हुआ था और इनको जो प्रेरणा मिली थी, जो इनको गाइडेंस मिला था वो इनके चाचा से मिला था। पेंटिंग हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, जो भी वर्क करते हैं वर्क, तो हम उस वर्क के पीछे हमारे पीछे कोई ना कोई किसी न किसी का हाथ माना जाता है। ऐसा हमारा ऐसा कभी नहीं होता कि हम अपने मन से ये बहुत कम होता है जिनको और गिफ्ट होता है, बाकी इन्हीं में कहीं ना कहीं से वो अट्रैक्ट होता है और उसी प्रकार को आगे बढ़ता है। तो उन्होंने अपने चाचा से प्रेरणा ली थी, उन्होंने चाचा उनको गाइड किया था और उसके बाद उन्होंने गुरु बनाया था थियोडोर जॉनसन त्रावणकोर के महाराजा थे और उनके यहाँ को एक यूरोपीय चित्रवादी चित्रकार था, आर्टिस्ट था। इसके अलावा उन्होंने जो और भी एंड आर्टिस्ट ऑफ ए यूरोपियन, इसके अलावा यानी इसके अपेक्षा भी यूरोप के जो और आर्टिस्ट थे उनसे भी उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाना सीखा, सबसे अलग अलग स्टाइल सीखी और उन्होंने हिंदुस्तानी एंड यूरोपीय स्टाइल को एक फ्यूजन का रूप देकर और एक नई स्टाइल कर विकसित की थी, डेवलप की थी और इनकी पेंटिंग्स इतनी सुंदर सुंदर बनने लगी थी, इतनी ब्यूटीफुल बनने लगी थी, लोगों की माइंड डिमांड बहुत आने लगी थी और इस वजह से राजा रवि वर्मा ने अपनी बॉम्बे में